हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 7th जीके क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स। आपका स्वागत है भाग 7 के इस जीके क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्म्स, और इसको हम लोग जानेंगे कि क्या है ये दोनों चीज़ें। द डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स। जो आगे हम जो पढ़ेंगे, जो जानेंगे, देखेंगे, वो चीज़ें जो हैं संबंधित हैं इकोनॉमिक अर्थ आर्थिक व्यवस्था से और राजनीतिक बातों से। लेट्स नो द टर्म्स, आइए जाने हम उनके बारे में। अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय एन ओथ टू बी यूज्ड एज जुडिशियल प्रूफ। ऐसी वो चीज़ जो हम अदालती कार्रवाई के लिए हम एक शपथ के साथ एक लिखित सबूत देते हैं, और उसका नाम होता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। इट इज़ द ईयरली एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री। ये साल भर का जो हमारे देश के साल भर का जो आकलन है खर्चे का, कि कितना खर्चा हुआ और कितनी आय हुई या कितनी कमाई हुई, उसके साल भर के आकलन को बोलते हैं बजट। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ड्राफ्ट जो एक प्रस्ताव के रूप में दिया जाता है, उसको कहते हैं बिल। When two or more political parties come together to form the government, जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिशन या गठबंधन। It is the deliberate reduction in value of home currency in relation to foreign currency in order to decrease imports and increase exports। ये देश की जो करेंसी का जब हम लोग ये इसमें ऐसे इस प्रकार से लिखा है कि इट इज़ द डेलिब्रेट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ होम करेंसी। जब सोच समझ के हम अपने देश की मुद्रा को कम या देश की मुद्रा की कीमत को कम करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी से, तो उसमें हम करते क्या है कि हम अपनी जो इम्पोर्ट है वो कम कर देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं, या कह दें कि एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा करते हैं। इसको कहते हैं डिवेल्यूएशन। डिवेल्यूएशन का मतलब होता है कि कीमत, जो मुद्रा की कीमत की जो है उसको कम करना। नेक्स्ट, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वेयर कंट्रीज डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटीज और अदर टैक्सेस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर कंट्रीज। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वो परिस्थिति है या स्थिति है जिसमें देश जो होते हैं वो दूसरी देशों से आए हुए सामानों पे किसी भी प्रकार का कर नहीं थोपते हैं, और इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। इट इज़ द राइट, नेक्स्ट है, इट इज़ द राइट टू वोट स्पेशली एट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। संसदीय चुनाव में खास तौर पे जो हमारा जो मतदान का जो अधिकार है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज या मताधिकार। नेक्स्ट है, इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस और ऑर्डर रिक्वायरिंग द पर्सन और पर्सन्स टू हूम इट इज डायरेक्टेड टू द टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। ये एक अदालती कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निर्देशित किया जाता है इस दौरान कि आप इन चीज़ों पे या उन खास कामों पे या उन चीज़ों को ना करें,
उसको बोलते हैं इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा, जिसको बिल्कुल भी करना नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज व्हेन देयर इज ओनली वन मैन्युफैक्चरर और ऑफ कॉमोडिटी फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जब उत्पादक एक ही हो कि सारे सामानों का और उसके अलावा कोई और विकल्प ना हो वहां पे आसपास, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक छत्र राज करना। इट इज एन अर्जेंट मेजर प्रोम्यूलगेटेड बाय द हेड ऑफ अ स्टेट टू मीट एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये एक आपातकाल परिस्थिति में एक ऐसी घोषणा होती है जिसमें सबको जिसमें जो राज्य का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो इस आपात परिस्थिति में एक बुलाहट करता है या बुलाता है। इट यूजुअली रिमेन्स इन फोर्स फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ये आम तौर पे जब फोर्स या कहा जाए कि सेना में ये थोड़े समय के लिए होता है जब ऐसी कुछ आपातकाल परिस्थिति आती है, और ऐसी चीजों को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है, अ मार्केट इन विच देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बायर्स एंड सेलर्स। एक ऐसा बाजार जहां पे किसी भी तरीके की कहा जाए कि कोई पाबंदी बेचने वाले या खरीदने वाले के ऊपर नहीं होती। एंड वेयर प्राइसेस आर डिटरमिंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, और जहां पर जो दाम है वो उसकी मांग पर और उसकी सप्लाई पर निर्भर करता है, ऐसे बाजार को बोलते हैं ओपन मार्केट। इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग ऑफ अ बॉडी एसोसिएशन टू मेक द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट मीटिंग वैलिड। ये किसी ये बात हो रही है यहाँ पे किसी बहुत एसोसिएशन कोई है, और अगर उस एसोसिएशन के सारे मेंबर्स नहीं हैं और कम ही मेंबर आते हैं, बहुत कम मेंबर आते हैं, और वो मीटिंग को या उस कार्य को पूरा करते हैं, तो उस मीटिंग को या कार्य को वैलिड माना जाता है, और उस ऐसे मीटिंग या ऐसे कार्य को कोरम बोलते हैं। इट इज़ अ पेमेंट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ओनरशिप। ये एक कहा जाए कि एक पेमेंट है या एक तरीके से भुगतान है जो एक खास स्वामित्व वाले को मिलता है। और प्रिविलेज सच एज पेमेंट मेड टू द ऑथर ऑफ अ बुक बाय पब्लिशर, या ये सुविधा या कहा जाए कि एक कहा जाए एक बहुत सुविधा होती है या सुविधा मिलती है जब ऐसे जैसे किसी लेखक को पब्लिशर के द्वारा जब उसे भुगतान किया जाता है जब तक कि वो बुक उसकी बिकती है या बिक चुकी होती है और एक खास नंबर पे बिक चुकी होती है, उसके बाद जो बिके ना बिके लेकिन पब्लिशर जो है उसको उसको पैसा देता रहता है, ये सुविधा को जो कहते हैं रॉयल्टी कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड द एमपीज रिगार्डिंग मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जब सरकार देश के लोगों के लिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक खास डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, उस पब्लिश को बोलते हैं वाइट पेपर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।